तो इसमें देखिए आपका बायोलॉजी विभाग क्लास 12th का है, इसको अपडेट कर रहा हूँ। और ए है 2020 22 23। ओके, और जो डिस्कस कर रहे हैं ए है सेट नंबर 2। इस तरीके से बायोलॉजी क्वेश्चन आपका क्लास 12th का है। और इसमें जो क्वेश्चन पेपर बाद में मैंने अपडेट कर दिए, इसमें क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं सिर्फ ओनली पेपर को ही आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने अपडेट कर दिया, फिर भी मैं यहाँ को दोबारा पीछे अपडेट होगा भी। तो इसमें दिया गया इंटरफेरॉन क्या है। ओके, इंटरफेरॉन आर प्रोटीन, प्रोटीन्स होते हैं, बट ये प्रोटीन सीक्रेट कहाँ से होते हैं? तो वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट स्पेशल टाइप प्रोटीन, इसे बोलते हैं इंटरफेरॉन। ये क्वेश्चन पूरा दिया गया। इंटरफेरॉन आ प्रोटीन इन ह्यूमन, दे आर सीक्रेटेड वाई, ठीक है? तो वहां पे आंसर क्या जाएगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल, ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इसके आगे अपडेट है, क्लियर, वहां से आप देख सकते हैं, यहां भी क्लियर हो रहा होगा। सिलेक्ट द पैथोजन मिसमैच, मिसमैचिंग बताया गया। तो यहाँ पे आंसर है आपका मिसमैचिंग में क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये मिसमैचिंग है, क्योंकि इसका इफेक्ट इंटेस्टाइन में नहीं होता, बाकी सही है, बट ये आपका मिसमैच है। द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट आंसर क्या है, किलो कैलोरी -2। और इसके बाद ये यहाँ पे इंडिकेट किया गया जो डायग्राम है, इस डायग्राम आपको बताया एक्स क्या होता है। तो एक्स क्या सस्पेंसर है, जेड क्या है, वाई क्या है, वाई क्या होता है कोटाइलेडोन्स, और जो जेड है, जेड क्या है रेडिकल, और यू क्या है प्लूमिल। तो इसका जो राइट आंसर ये वाला हो जाए, सी वाला। और इसके अलावा यहाँ पे मैचिंग दी गई है, एमटीपी है, एमनियोसेंटेसिस है, सहेली है, फैमिली प्लानिंग। तो एमटीपी को जो लीगलाइज किया गया 1971 पे, एमनियोसेंटेसिस क्या होता, एनालिसिस टेस्ट होता, एनालिसिंग फीटल सेल फॉर द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द फीटस। फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुई, 1951। और सहेली क्या होता, नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये देखो सहेली का मतलब क्या होता। तो नॉन स्टेरॉइडल कंडीशन होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। और एक क्वेश्चन भी अपडेट कर चुका हूं मैं, एट विच स्टेज ड्यूरिंग इवोल्यूशन डिड ह्यूमन यूज हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड बरीड देयर डेड। तो आंसर यहाँ पे आया नेंडरथल मैन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 8, इसमें क्या पूछा है, इंटरेक्शन बिटवीन क्लोन फिश लिविंग अमंग द स्टिंगिंग टेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन पूछा गया वो है, होता कॉमन सेलेज। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा गया, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स बिलोंग टू द पॉपुलेशन बट नॉट टू एन इंडिविजुअल। ओके, तो ये ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, और इसमें जो कंडीशन आपको बता रहा, कौन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो एक तो होगा आपका बर्थ रेट, रेट और डेथ रेट, और दूसरा क्या होगा सेक्स रेशियो। नेक्स्ट क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फेस मैक्सिमम थ्रेट एक्सटिंक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा, मेमेल्स। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन दी गई, कौन सा मैचिंग सही है, गिवन बिलो द रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पीएसटी फर्स्ट एंड द क्लीवेज साइट ऑन अ डीएनए मॉलिक्यूल्स, कौन कौन सी साइट राइट होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी होगा, ठीक है? यहाँ पे क्या, साइटोसिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडनिन। तो यहाँ पे इसका जस्ट क्लीवेज साइड क्या होती है, इक्वल होती है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, सी है तो सी आ जाएगा, जी है तो यहाँ जी आ जाएगा, टी है तो यहाँ टी आ जाएगा,
और सी यहाँ पर सी, तो इस टाइप से कट किया जाता है। दोनों साइड आपस में क्या होनी चाहिए, इसका यहाँ पे एक कंडीशन होती है। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें क्या करना है, मैचिंग यहाँ पर, और क्या दिया है, साइक्लोस्पोरिन ए। ए क्या होता है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर है किस माइक्रोब से ऑप्टेन होता है, तो साइक्लोस्पोरिन ए ऑप्टेन होता है सी टी ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, स्टेटिन ऑप्टेन होता है मोनेस्कस परप्यूरियस, स्ट्रेप्टोकाइनेस ऑप्टेन होता है स्ट्रेप्टोकोकस से, और पेंसिलिन ऑप्टेन होता है पेंसिलियम नोटेटम। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। ऐसा सर रीजन, ये सभी क्वेश्चन अपडेट कर चुका हूं मैं, आगे आप देख लीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं उनका एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो मैंने अपडेट नहीं किए, कि वो सेट में चेंजिंग हो सकती है। इसके बाद ये 14 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन है, एंड लास्ट यहाँ पे आ जाएगा 16। इसमें क्या पूछा, स्टेट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैसे हम सेपरेट करते हैं, एनसीईआरटी टॉपिक ही है। और इसमें हम यूज करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड का, और डेंसिटी भी इस पे सेपरेट कर दिया था। हाउ आर डीएनए फ्रेगमेंट विजुलाइज्ड वंस दे आर सेपरेटेड बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो यहाँ पे जो स्टेनिंग होती है यूज करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड, और जब इसे यूवी रे पास होती है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ जीन्स ऑफ फंगस दैट फॉर्म माइकोराइजियल एसोसिएशन विद प्लांट, जीनस का आपको नाम बताना, एंड हाउ डज द प्लांट ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम देयर एसोसिएशन, प्लांट को बेनिफिट क्या होता है। तो भाई दोनों को बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। नेम एनी टू टेक्निक यूज टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड राइट अबाउट एनी वन ऑफ देम, कैंसर को हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो ये काफी टेक्निक है। ये क्वेश्चन अपडेट कर दिया मैंने पीछे, अपडेट ही अभी आ गया, वीडियो में देखेंगे। और इसमें क्या पूछा गया, एविंग डॉन टॉर्टोइस इन गैलपागोस आइलैंड। ओके तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एविंग डॉन टॉर्टोइस इन गैलपागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट, क्या रीजन है जो कछुए हैं एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विद इन द डिकेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ गॉड इन द आइलैंड एक्सप्लेन गिविंग रीजन, तो इवोल्यूशन का है, इसको एनसीईआरटी में ही दिया गया। इसके बाद पुनेट स्क्वायर भी इससे क्वेश्चन दिया गया, ये अपडेट कर दिया मैंने पीछे। एक्सप्लेन हाउ डिड एक्सपेरिमेंट कंसिडर्ड बाई एस एल मिलर, मिलर एक्सपेरिमेंट है, मिलर ने क्या यूज किया था, मीथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, वाटर वेपर है, इनको अभी हम एनसीईआरटी, अभी एनसीईआरटी बुक दिखाएंगे तो वहां पे कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे वो सब मैं बताता जाऊंगा। तो मिरर एक्सपेरिमेंट यहाँ पे डिस्कस करना। इसके बाद प्लाज्मोडियम वाला क्वेश्चन दिया गया, ये अपडेट है यहाँ पे आगे। और इसके बाद और में एक क्वेश्चन दिया गया, वी ऑल मस्ट वर्क टूवर्ड मेंटेनिंग गुड हेल्थ बिकम, ये हेल्थ के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया। और फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नेम एंड एक्सप्लेन सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय द मेल पार्टनर ऑफ द कपल, तो यूज करते हैं बेसेक्टोमी, ये बायोडायवर्सिटी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया। और फिर इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम हाइब्रिडाइजेशन का दिया गया। और इसके बाद ये क्वेश्चन दिया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, ईली लिली कंट्रीब्यूशन फॉर डिजायरेबल पेशेंट थ्रू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इसको भी हम अभी एनसीईआरटी से पूरा डिस्कस कर देंगे, ज़्यादा तो नहीं थोड़ा बहुत बता देंगे। फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्वेश्चन डिस्कस किया गया, और फिर ये पैराग्राफ क्वेश्चन बेस क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसमें जो पूछा गया एन्यूप्लॉयडी क्या है, और क्रोमोसोम बेस पे क्वेश्चन डिस्कस किया गया। और फिर यहाँ पूछा नेम द बेस्ट वेस्ट नॉन द मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल एन्यूप्लॉयडी एबनॉर्मलिटी इन ह्यूमन, राइट एनी टू सिम्टम, टू सिम्टम आपको बताना है यहाँ पर। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन जो डिस्कस है, यहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस किया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आएगा
स्कीमेटिक लेबर डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का आपको डायग्राम बनाना है, और फिर इन विच पीरियड द नंबर ऑफ इम्यून सेल फॉर्मिंग एंटीबॉडीज विल बी द हाईएस्ट इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम निमोनिया एंड नेम द इम्यून सेल दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। कौन सी इम्यून सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है? फिर बायोरिएक्टर से क्वेश्चन डिस्कस किया, बायोरिएक्टर क्या होता, और बाकी यहाँ पे पूछे गए क्वेश्चन इस सभी बायोरिएक्टर बेस पे क्वेश्चन है। इकोलाइज से क्वेश्चन पूछा गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और फिर यहाँ पे ये ब्लड ग्रुप बेस क्वेश्चन है। यहाँ पे ही पूछा गया आपका अमीनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए के बेस पे, एंड फिर लास्ट में एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एक चैप्टर सेकेंड का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म, और फिर ड्रा द डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। अब देखिए मैं एनसीईआरटी उठा रहा हूँ, उससे बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। ओके ओके, तो इससे क्वेश्चन फर्स्ट ही आप देखिए, जो क्वेश्चन पूछा था इंटरफेरॉन आर प्रोटीन इन ह्यूमन दे आर सीक्रेटेड बाय, इंटरफेरॉन बॉडी में कहाँ से सीक्रेट होती है, तो इसमें आप एनसीईआरटी में देखिए, और एनसीईआरटी पेज नंबर ये देखिए 151, और यहाँ पे टॉपिक दिया गया साइटोकाइनिन बैरियर दिया गया, और फिर यहाँ पे देखिए आप क्या दिया गया, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स ठीक है सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन, ये आपको ये आपका यहाँ पे आंसर दिया गया फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या पूछा है, इनमें से कौन सा गलत है, सिलेक्ट द पैथोजन मिसमैच विद द सिस्टम ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय इट फ्रॉम दिस लिस्ट गिवन बिलो, मतलब इनमें से कौन सा गलत है, तो इसमें एंडेमियो हिस्टोलिटिका दिया गया, एपिडर्मोफाइटोन दिया गया, बाउचेरिया बेनकॉप्टी दिया गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दिया गया, और ये सभी दिए गए इसके सिम्टम। तो इसके लिए आपको पेज नंबर ओपन कीजिए 146 एनसीईआरटी बुक, और 147 इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये दिया, यहाँ पर क्या दिया, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और दूसरा क्या पूछा गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दिया, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज निमोनिया, इन दोनों से जो डिसीज होती है क्या होती है, निमोनिया होती है इन ह्यूमन विच इन्फेक्ट द एल्वली, इसमें एल्वली इन्फेक्ट होती है ठीक है, एयर फिल्ड सैक ऑफ द लंग्स एज रिजल्ट ऑफ, मतलब इसमें ये तो आगे कौन सा ऑर्गन इन्फेक्शन होता है, एलवुली होती है, एज रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन द एलवुली, जो भी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, एलवुली में आ रही है ठीक है, गेट फिल्ड विथ फ्लूड लीडिंग टू द सेवर प्रॉब्लम इन रेस्पायरेशन, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, रेस्पायरेटरी सिस्टम में आ रही है, दिस सिस्टम दिस सिम्टम ऑफ निमोनिया इंक्लूड क्या आ रहा, फीवर आ रहा, चिल्स आ रहा, कफ आ रहा, हेडेक आ रहा, ये सब प्रॉब्लम आ रही है, तो बट इसमें जो इंडिकेट किया गया वो इंटेस्टाइन के बारे में दिया गया, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है ठीक है, बाकी इंडिकेट किया बाकी डिसीज भी बताई गई है इसमें, लाइक द एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, ये आप यहाँ स्टडी करेंगे, और एंटामीबा हिस्टोलिटिका ए आ रहे हैं, इसके लिए आपको ओपन करना हो पेज नंबर 148, ये दिया गया एंटामीबा हिस्टोलिटिका, डिसीज होती है अमीबेसिस, किससे होती है, अमीबेसी डिसीज होती है एंटामीबा हिस्टोलिटिका से, और ए यहाँ पे आ जाएगा बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी। ओके, और ए दिया गया इसका बाउचेरिया ठीक है, बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी बाउचेरिया मेलाई, डिसीज कौन सी, एलिफेंटाइटिस एंड फाइलेरियासिस, बाकी सिम्टम दिए गए इसको पूरा आप स्टडी कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या इसमें पूछा गया था, ओनली 1 मिनट, द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज, तो ए प्रोडक्टिविटी की बेस पे क्वेश्चन है पेज नंबर 242 ए एनसीईआरटी में, देखिए आप एनसीईआरटी रखिए उसमें एक एक मैचिंग करते जाइए, पूरा एनसीईआरटी वैसी है पेज नंबर 242, और ए आ गया यहाँ पे पेज नंबर
243। ये आया प्रोडक्टिविटी। दिया प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? एक मिनट, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ग्राम माइनस टू, ईयर माइनस वन, या किलो कैलोरी माइनस टू। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप दिया गया, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शो द करेक्ट आइडेंटिफाई। इनमें सभी को आपको मैचिंग बेस क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर सेकंड से है। ये देखिए एनसीईआरटी है पेज नंबर 34, और ए डायग्राम दे दिया उन्होंने, डाइकॉट दिया गया, डाइकॉट एम्ब्रियो। ये देखिए यहां से यहां तक क्या होता है, सस्पेंसर होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, रेडिकल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं कोटाइलोडॉन्स, इसे क्या बोलते हैं प्लूमिल, और एक पूरा डायग्राम दिया गया डाइकॉट का, मैच्योर एम्ब्रियो का दिया गया। पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस से, तो आप स्टडी करो, डीप स्टडी, तो पेपर आपको पूरा कंप्लीट ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये मैचिंग का दिया गया, इससे पूछा गया एमटीपी, तो एमटीपी के लिए पेज नंबर 62। टॉपिक यहाँ पे क्या दिया गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और यहाँ पे पूरा दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड, ठीक है, एमटीपी 1971। अब इसके बाद सेकेंड ऑप्शन इसमें क्या दिया गया, एमनियोसेंटेसिस, तो एमनियोसेंटेसिस पेज नंबर 58, और ये टॉपिक दिया है एमनियोसेंटेसिस, क्या दिया, फीटल, ठीक है, डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम पैटर्न इन द एम्ब्रियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक, जो यहाँ पे दिया भी इन्होंने, एनालिसिस फीटल सेल फ्रॉम द एम्ब्रियोटिक फ्लूइड ऑफ द फीटस। अब यहाँ पे दिया सहेली, तो सहेली भी डिस्कस करते हैं। इसमें नेक्स्ट जो डिस्कस किया गया सहेली, तो ये टॉपिक आता है पेज नंबर 61, और यहां दिया गया सहेली, द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। ये ऑप्शन दिया गया, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, ये दिया यहां पे, दिया नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, और लास्ट क्या, फैमिली प्लानिंग। ये फैमिली प्लानिंग इसी में इंडिकेट किया गया, फैमिली प्लानिंग पूरा एनसीईआरटी बेसिक पेपर आता है। यदि आप लोग रियल में एनसीईआरटी कायदे से स्टडी कर रहे हैं, तो पूरा पेपर आपको एनसीईआरटी बेसिक मिलेगा। अभी इसको डिस्कस करता हूँ। ये देखिए दिया फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड 1951, और ये दिया गया पेज नंबर 57 पे दिया गया। ये यहाँ पेज नंबर 56 और पेज नंबर 57 स्टार्टिंग चैप्टर में ही दिया गया, चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और टॉपिक जब आप ओपन करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ या प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज, तो यहाँ पे है फैमिली प्लानिंग और 1951। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और इसमें जो पूछा गया, एट विच स्टेज ड्यूरिंग एवोल्यूशन Did human use hides to protect their bodies? Bodies को क्या कर रहे, hide कर रहे, and buried their dead? ये NCERT में page number 141। ये देखिए पहले page number आपको बताता हूँ, क्यों page number ठीक रहता, page number 141, और यहाँ पे दिया गया ये different man के skeletal दिए गए, the Neanderthal man with a brain size 1400 cc, they live in near east and center asia। ये रीजन बताया कहाँ कहाँ पाए गए, बिटवीन 100,000 to 14,000 ईयर बैक
दे यूज हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी ओके एंड बरीड देयर डेड। तो ये सेम आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे दिया गया। गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और इसमें जो पूछा गया है एक्स क्या होगा, जेड क्या है और वाई और यू क्या है, तो इसके लिए आप इस डायग्राम को डिस्कस कीजिए। डायग्राम है, इसमें देखिए सबसे अपर क्या होता है सस्पेंसर, इसके बाद क्या होता है रेडिकल और उसके बाद क्या होता है प्लूम्यूल। ये क्वेश्चन वहाँ पूछा था अभी प्रेजेंट टाइम बोर्ड एग्जाम में, इंटरफेरॉन क्या होता है। तो इंटरफेरॉन क्या होता है, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है उसे जो प्रोटीन सीक्रेट होती है उसे बोलते हैं इंटरफेरॉन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा वायरस इन्फेक्टेड सेल। अभी हम आपको पेपर भी दिखाएंगे इसमें, कि पेपर को भी आप देख लीजिए, उसी के पेपर के ही क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए गए। फैमिली प्लानिंग इनिशिएट कब हुआ, 1951। ये उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैचिंग क्वेश्चन था कि फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कब हुआ, तो आंसर है 1951। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और था इसमें कि जो एमटीपी इसको लीगलाइज्ड कब किया गया, तो एमटीपी को जो लीगलाइज्ड किया गया 1971। ओके, एमटीपी का पूरा नाम क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसे बोलते हैं हम एमटीपी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा था, एट व्हाट स्टेज ड्यूरिंग इवोल्यूशन डिड ह्यूमन यूज हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड वरीड देयर डेड। ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन है और एनसीईआरटी में जो चैप्टर है इवोल्यूशन उससे पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा नियंडरथल मैन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसे मैचिंग पूछी गई कि गिवन बिलो ए सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन एमआरएनए ऑफ ए बैक्टीरिया सेल, आइडेंटिफाई द अमीनो एसिड दैट वुड बी इनकॉर्पोरेटेड एट कोडोन पोजिशन 3 एंड कोडोन पोजिशन 5 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो 3 पे क्या होगा और वही 5 पे क्या होगा, तो 3 पे होगा फिनाइल एलेनाइन और मैथ्यूनाइन। इसमें क्या पूछा गया, कौन सा मैच गलत है, तो भाई सिम्टम के बेस से पूछा गया एंटामियो हिस्टुलेट का, इससे क्या होता है कॉन्स्टिपेशन एब्डोमिनल पेन, ये सही है। एपिडर्मोफाइटॉन, इसमें प्रॉब्लम आती है कहाँ पे, ड्राई स्केली लीजन और नेल पे होती है। बाउचेरिया बैनक्रॉफ्ट, ये भी सही है, बट जो डी ऑप्शन है ये क्या है, रॉन्ग है। द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम एक्सप्रेस्ड, इसका राइट आंसर है किलो कैलोरी मीटर माइनस टू। ये इकोलॉजी का क्वेश्चन था प्रोडक्टिविटी के बेस पे। और इसमें इंडिकेट किया गया कि इसमें IUCN रेड लिस्ट इन द लास्ट 500 ईयर डॉक्यूमेंट एक्सटिंक्शन ऑफ नियरली 784 स्पीसीज इंक्लूडिंग, कितनी थी, तो यहाँ पे 359 इनवर्टिब्रेट्स तो मेंशन किया गया था। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे एसर्सन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। पहला दिया गया डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड फॉलोड बाई एमटीबी इज इलीगल प्रैक्टिस। अब कहीं कहीं पर लीगलाइज्ड भी कर दिया गया, वैसे इलीगल है बट कहीं कहीं लीगलाइज कर दिया गया। और एमनियोसेंटेसिस इज प्रैक्टिस टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये पॉइंट आपको सही है। और 14 सिंथेसिस ऑफ ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमरेज आर यूज ड्यूरिंग एनिलिंग इन ए पीसीआर, राइट पॉइंट है, तो यहाँ दोनों ऑप्शन आपके सही है। इसमें दोनों सही है बट आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। डीकम्पोजिशन प्रोसेस इज स्लो इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड क्यूटिन, डीकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। इसमें ए गलत है और आर सही है। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय जीन हीमोग्लोबिन ए फर्स्ट एंड हीमोग्लोबिन ए टू ऑन द क्रोमोसोम 16, ये ऑप्शन सही है। और थैलेसीमिया इज एबनॉर्मली मायोग्लोबिन चेन इज सिंथेसाइज ड्यू टू जीन डिफेक्ट, ए गलत है। ये थैलेसीमिया इसी को इंडिकेट किया था जो
ए का मतलब क्या है, वी का क्या मतलब है, सी का मीन्स क्या है, डी का क्या है, वो ये आपका असर्शन रीजन बेस पे ही इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इस बेस पे आपके आता है असर्शन रीजन। जैसे सपोज आपके दोनों सही है तो वहां पे ऑप्शन क्या ए आ जाएगा, और यदि दोनों सही है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो वहां पे ऑप्शन बी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन इंडिकेट किया गया, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ वीमेन एट ऑनसेट ऑफ मीनोपोज। तो वैसे 45 होती है बट कहीं कहीं पे 50 भी मेंशन कर दिया गया, तो यहाँ जो राइट आंसर है 45 या 50 भी लिख सकते हैं। और सेकेंड दिया गया, एट व्हाट इज आर मैक्सिमम प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट इन द ओवरी अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ। तो वहां पे जो मेंशन आएगा 10 ईयर एज पे, यहाँ पे इंडिकेट किया गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया, कैटल एंड गॉट डू नॉट ब्राउज द कैलोट्रॉपस प्लांट। एक कैलोट्रॉपस प्लांट को क्यों नहीं खाते कैटल, इसका मेन आंसर यहाँ पे क्या है, जो कैलोट्रॉपस प्लांट है इसमें केमिकल होता है और उस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है, ग्लाइको कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ये जनरली अफेक्टेड कहाँ पे करता है, हार्ट को अफेक्ट करता है। तो ये लोग जो मेमेल से वर्ड है, ये मेमेल जो बोल सकते हैं कि जो वाई यूजिंग पुनेट स्क्वायर ड्यू टू द डिफेक्ट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप और द टेस्ट क्रॉस द ग्रीन पॉड कलर कैप्टाजी इज डोमिनेंट ओवर द येलो पॉड का स्मॉल जी गार्डन पी विद अ नॉन जीनोटाइप। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है, टेस्ट क्रॉस को आइडेंटिफाई करेंगे और ये कंडीशन दी है, फर्स्ट कंडीशन कैप्टा जी, कैप्टा जी स्मॉल जी स्मॉल जी। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में इंडिकेट किया जाएगा हाइब्रिड, और इसके बाद सेकंड कंडीशन भी अपडेट की मैंने, और थर्ड कंडीशन मतलब यहाँ पे मेनली जो अपडेट कर सकते हैं थ्री कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में क्या आएगा, जो हाइब्रिड था इसका इंटू कर देंगे हम रिसेसिव से, तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 50% रेशियो। ओके, हाइब्रिड का इंटू किससे कर रहे हम, रिसेसिव से, तो रेशियो कितना आया 50%। और जो थर्ड कंडीशन है यहाँ पे इंटू हम क्या कर रहे हैं, दोनों स्मॉल जी का इंटू कर रहे हैं स्मॉल जी से, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी 100%। ओके, तो थ्री कंडीशन यहाँ पे ऑप्टेन होगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ जीन्स ऑफ ए वायरस यूज एज नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल बायो कंट्रोल एजेंट्स। या दूसरा इसमें पूछा गया, हाउ डज इट्स यूज सर्व एज ए एड इन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। और में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, वाई इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक ट्यूमर के बेस से पूछा गया था। पहले हम डिस्कस करेंगे अपर क्वेश्चन, तो इसका आंसर आएगा न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, और ये भी एनसीईआरटी टॉपिक है। बैक्लो वायरस आर द वायरस बिलोंग टू द जीनस, जीनस है यहाँ पे जीनस लिखे, दीज वायरस अटैक द आर्थोपोड या इंसेक्ट, दीज वायरस एक्सलेंट स्पीसीज स्पेसिफिक इफेक्टिव नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। इसका यूज करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट में, दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन ट्रीटिंग इन एनवायरमेंट सेंसिटिव एरिया कंजर्विंग बेनिफिशियल इंसेक्ट टू सपोर्ट एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में इसका यूज करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था ट्यूमर बेस पे, ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर आर द सेलुलर मास दैट डेवलप इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सेल ऑन देयर ओवरग्रोथ। क्या होता है, बॉडी में कभी भी सेल में जो ग्रोथ क्या होती है, अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, तो वो क्या बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है। बिगिन ट्यूमर आर लेस हार्मफुल एज कंपेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो बेनिजन ट्यूमर है ये कम हार्मफुल होता है क्योंकि ऑर्गन स्पेसिफिक होता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर पूरी बॉडी में फैल जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर एज इट सो द मैलिग्नेंट प्रॉपर्टी। ओके, अब इसमें क्या पूछा गया, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। तो नाम था थर्मस इक्विटिकस,
name and explains surgical contraceptive method that can adopted by the male partner of the couple. तो यहाँ पे आंसर आएगा बेसेक्टोमी। ओके, बेसेक्टोमी में क्या करते हैं, मेल का हम ऑपरेशन कर देते हैं, बाज डिफेंस को बाउंड बाइंड कर दिया जाता है, और जब बाज डिफेंस को बाइंड कर दें वहां प्रॉब्लम आएगी स्पर्म में। नेक्स्ट क्या, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बाज मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन द ईयर 1990 विद सम इम्पोर्टेंट गोल्स, और इसी में पूछा गया इनलिस्ट एनी फोर प्राइम्स गोल ऑफ एचजीपी, और थर्ड में क्या पूछा गया, नेम एनी वन कॉमन नॉन ह्यूमन एनिमस मॉडल ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज आल्सो बीन सीक्वेंस्ड देयर आफ्टर। तो इसका मतलब है आइडेंटिफाई ऑल द एप्रोक्सीमेटली 20,000 से 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। और जो यहाँ पे नॉन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे कहा जाए निमेटोड्स, और निमेटोड का नाम है सीनेरो एबिडिडिस इलेंगेंस, ये क्या है, यहाँ पे नाम है पैथोजेनिक निमेटोड्स। ये एवोल्यूशन का टॉपिक है, इंडस्ट्री ऑफ मिलेनियंस इंग्लैंड आफ्टर 1850 इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन हाउ। तो दो कंडीशन थे, पहले जब पॉल्यूशन था और जब पॉल्यूशन नहीं था, दोनों से सो की गई है। और इसमें जो पूछा गया, वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके स्टेप आ जाएंगे मैस्कुलेशन बैगिंग एंड पॉलिनेशन, ये स्टेप है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये तीनों मेंशन आएंगे इसमें। एमैस्कुलेशन क्या होता, ये प्रोसेस होती है बाइसेक्सुअल फ्लावर में, और इसमें रिमूव कर दिया जाता है एंथर को। ओके, और जब इसमें स्टिग्मा को क्या करते हैं, कवर बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो उसे बैगिंग बोलते हैं। इसे प्लाज्मोडियम से क्वेश्चन पूछा गया, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नीड्स बोथ मॉस्किटो एंड ह्यूमन होस्ट फॉर इट्स कंटिन्यूटी एक्सप्लेन, दोनों इसके होस्ट होते हैं, प्लाज्मोडियम का ह्यूमन होता है और मॉस्किटो होता है, इस टाइप ऑफ होता ना। इसके अलावा जो और का क्वेश्चन था, बीटी का था, बीटी को बोलते हैं बैसिलस थ्रोनिजिनेसिस, ये बैक्टीरिया होता है और एक कॉटन प्लांट को इंसेक्ट से बचाता है, इसके अंदर टॉक्सिन होता है, बट ये टॉक्सिन बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव फॉर्म होता है, बट जब ये टॉक्सिन इंसेक्ट की बॉडी में बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखने वाला बीटी बैक्टीरिया का। अब यहाँ पर पूछा गया बायोडायवर्सिटी, अब बायोडायवर्सिटी प्ले द मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विस दैट नेचर प्रोवाइड, डिस्क्राइब एनी टू ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स टू जस्टिफाई टू गिवन स्टेटमेंट, स्टेट वन इथिकल रीजन ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन डिस्कस किया गया इकोसिस्टम सर्विस, और ये पीछे वाले क्वेश्चन के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, तो इसमें जो इंडिकेट किया गया पीछे वाले क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन किया यहाँ पे प्लाज्मोडियम का, इसका जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो और ह्यूमन बीइंग, ये दो कंडीशन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है यहाँ पे। और ये यहाँ पे इंडिकेट किया, जैसे इन्फेक्टेड मॉस्किटो ह्यूमन को वाइट करता है तो स्पोरोजोइट कहाँ पहुंच जाएगा ह्यूमन बॉडी में, और ह्यूमन बॉडी में जाके पहले अटैक किसको करता है, लीवर को, और बाद में किसको अटैक करता है, आरबीसी को, यहीं पे गैमिट फॉर्मेशन होते हैं, और गैमिट का फ्यूजन कहाँ पे होता। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा 27, इसे बीटी का पूछा था जो मैंने पीछे अपडेट कर दिया, इसका आंसर बीटी बैक्टीरिया होता, और इंडिकेट भी किया ऑन स्प्रिंग बैसलस थ्रोनिजिनेसिस, क्वेश्चन नंबर 29। और इसमें जो पूछा गया, व्हेन ए माइक्रोऑर्गेनिज्म इनवेड ए होस्ट
डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ इवेंट यूजली ऑकर्स लीडिंग टू द इन्फेक्शन। इसको आप देख लीजिए, मैं दोबारा पेपर अपडेट कर रहा हूँ तो उसमें एक पूरा रिवीजन आ जाएगा। और इसके बाद इसी के बीच में क्वेश्चन पूछे गए द्वारा स्कीमेटिक लेवल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी। अलग अगला क्वेश्चन इसमें और में दिया गया एंटीबॉडी का, इसमें आपको डायग्राम बनाना है। और इन विच पीरियड द नंबर ऑफ इम्यून सेल्स फॉर्मिंग एंटीबॉडीज। ओके, ए नेक्स्ट क्वेश्चन का अपडेट किया, आंसर दिया गया। इसके बाद एंटीबॉडी आएगा, ये डायग्राम एंटीबॉडी का। तो उसमें सेल पूछी गई थी, सेल्स का आंसर यहाँ पे लिम्फोसाइट आ जाएगा। और ये डायग्राम वहां पे आपको बनाना होगा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी का। और लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन एक क्रोमोसोम बेस पे पूछा गया। द क्रोमोसोम नंबर इज फिक्स्ड फॉर ऑल द नॉर्मल ऑर्गेनिज्म लीडिंग टू द, उसी बेस में से क्वेश्चन पूछे ए क्या है, बी क्या, सी क्या है। ए में पूछा गया एन्यूप्लॉइडी क्या होता, तो एन्यूप्लॉइडी का मतलब ही क्या है, क्रोमोसोम का कम होना। एन्यूप्लॉइड इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल। ओके,